अहिंसा परमो धर्म। 15 अगस्त सन 1947 हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली और साथ ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूर्ण स्वराज का स्वप्न साकार हुआ था। स्वतंत्रता के इस महासंग्राम में न जाने कितने ही बच्चों, औरतों, वृद्धों और जवानों ने अपने देश के खातिर कुर्बानी दी। स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इन लोगों का ना तो कोई मजहब था और ना ही कोई जाति। जहाँ एक ओर देश में स्वतंत्रता के कारण खुशी की लहर थी, वहीं दूसरी ओर देश के विभाजन के कारण कुछ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जैन हिंदू मुसलमानों ने देश के खातिर एक होकर अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराया। उसी हुकूमत की तुच्छ नीतियों के श्राप झेलकर वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी बंटवारे के चलते कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया। सेना के जवान भी इन दंगों को रोकने में सफल नहीं हो पाए। अहिंसा के पुजारी थे और जिन्होंने अहिंसा के द्वारा ही देश को आजादी दिलाई थी, वो इन सब से बहुत ही आहत हुए तथा कलकत्ता पहुँच कर आम्र लक्षण कर मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि 15 अगस्त को मेरे पूर्ण स्वराज का सपना साकार हो गया, परंतु ये मेरे सपनों का स्वराज नहीं है। कि कैसा स्वराज है ये, कैसा स्वराज है जहां हमारे देश के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। बाबू, आपकी बात लोगों ने समझी है और वे अब अहिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। अब आप उपवास खत्म कर दीजिए, इतना काफी है। अरे भाई, अगर लोगों ने मेरी बात सुनी होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। और मैं तो इसी भ्रम में जी रहा था कि लोग अहिंसा से ही बदलेंगे। पर तो बाबू, आप ये फकरा क्यों और किसके लिए करना चाह रहे हैं? मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ कि हमारे देशवासियों में एक दूसरे की संप्रदाय के प्रति जो नफरत का भाव पैदा हुआ है, उसे सिर्फ अहिंसा और उपवास से ही मिटाया जा सकता है। अगर हमारे देश के लोग ये बात नहीं समझे कि ये देश उतना ही मुसलमान का है जितना कि एक हिंदू का, तो हमारी आज़ादी खोखली रह जाएगी। लेकिन बाबू, लोगों में इतनी नफरत है कि कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, खून के प्यासे हो गए हैं। लोग सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, उन्हें तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान एक ना हुए तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। वतन में हर जगह तरख्याली छाई हुई है, आपके उपवास की फिक्र किसी को भी नहीं है। उपवास की फिक्र किसी को हो या ना हो, मैं तो अपना उपवास तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक चारों ओर शांति नहीं हो जाती। बाबू, अब वो जवानी के दिन नहीं रहे आपके, आप ये उपवास तोड़ दीजिए। बाबू, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये काम तो आप जीते जी भी कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो इस मुल्क में सैलाब आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन सत्य और अहिंसा का उपहास होने लगे तो मैं जीवित रहना नहीं चाहूंगा। गांधी, तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गांधी, तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गांधी, तुम वापस जाओ, वापस जाओ।
बजाय हमारे अपने ही लोगों को इतनी नफरत और हिंसा क्यों? बाबू आप चले जाओ यहाँ से, यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अब और हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। हमें पता है आपने दुश्मन का बेपास छुपा के रखा है, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? आज हम आसिफ को यहां से मारे बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। बापू हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपने आज तक जो कुछ कहा हमने करा, लेकिन आज हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। ये धर्म युद्ध है बापू, धर्म युद्ध, और हम मुसलमानों को मारते रहेंगे। गांधी जी अब आप में यहाँ कोई काम नहीं है, चले जाइए कलकत्ता से। वाह बापू वाह, हिंदुओं के मरने पर आपने बहुत धारण किया था मौन, लेकिन आज मुसलमानों के लिए उपवास रखकर आप अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं, यह कैसा न्याय है बापू? आप ही के कारण मुसलमान का सर चल रहे हैं। हाँ हाँ हमें समझ में आ चुका है, आपकी सारी सहानुभूति उन मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन क्या खून का बदला खून से लेना उचित है? क्या हमारा हिंदू धर्म यही कहता है कि हम पाप करने वालों के साथ पापी बन जाएं? और तुम न्याय की बात करते हो ना, औरतों और बच्चों पे जुल्म करना कौन सा न्याय है, कौन सा महान कार्य है? तो क्या हम अपने सामने अपने ही आदमी को मरते हुए देखते रहे? ईंट का जवाब पत्थर से तो नहीं देना चाहिए। ये आपकी सोच होगी, पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब आप हमें रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब हर हिंदू मुसलमानों को ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, और जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ। इन दंगों को रोकने के लिए मैं यहीं कलकत्ता में रहकर ही अपना अनशन करता हूं। लो खाओ ये रोटी और पियो ये पानी और खत्म करो अपना उपवास। मैं तो नरक में जाऊंगा ही, पर मुझे तुम्हारी मौत का कारण नहीं बनना। वचन देता हूं अब और हिंदू मुसलमानों में दंगे नहीं होंगे, अब और हिंदू मुसलमानों की मौत का कारण नहीं बनेंगे। कौन हो तुम और इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? इससे आपको क्या, आपका तो सत्य अहिंसा का मकसद पूरा हो गया। मैं आपके ही आंदोलन का हारा हुआ एक क्रांतिकारी हूं, देवनाथ। देवनाथ तुम इतना परेशान क्यों हो? बापू ये कैसा बंटवारा है बापू, जहां देश और मजहबों को बांटते बांटते लोगों ने इंसानियत ही बांट दी। मजहबों की आड़ में उन जालिमों ने मेरे छोटे से बच्चे को भी नहीं बख्शा। छोटा सा था वो, दुनिया के चल चलावे से दूर, फिर भी उसे मार डाला बापू। जिसकी किलकारियों से घर गूंजता रहता था, जिसकी लड़खड़ाती बोलियां ढंग से पापा भी नहीं बोल पाती थी, उस छोटे से मासूम बच्चे के पेट में खंजर उतारते हुए जालिमों को तोड़ा भी रह गया। मार डाला बापू, उन जालिमों ने मेरे बच्चे को मार डाला बापू। हे राम, ये क्या हो गया है हमारे अपने ही लोगों को? भगवान ने सदबुद्धि दो भगवान। बाबू खून की नदियां वो बह रहे हैं और आप शांत रहने के लिए हमें बोल रहे हो? मेरा ये उपवास किसी क्रूरता के खिलाफ है, ना कि किसी मजहब के लिए।
मरने वाला ना कोई हिंदू होता है ना ही कोई मुसलमान। वो होता है तो सिर्फ एक इंसान, और मैं सिर्फ उस इंसान को बचाना चाहता हूँ, और उस इंसान को बचाने के लिए उपवास ही सबसे कारगर हथियार है। पर बाबू क्या गलती थी उस छोटे से मासूम बच्चे की? ना तो उसे देश का पता था, और ना ही बंटवारे का, और ना ही उसका वास्ता किसी हिंदू मुसलमान से था। मेरी तो पूरी दुनिया ही उतर गई है बाबू, पूरी दुनिया ही लुट गई है बाबू, दुनिया ही लुट गई। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ देवनाथ, तुम ऊपर वाले भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। कुछ ठीक नहीं करेगा ऊपर वाला बाबू, कुछ ठीक नहीं करेगा। जो एक छोटी सी छोटी चोट का दर्द नहीं सह पाता था, पता नहीं उसने खंजर का दर्द कैसे सहा होगा, कैसे वो खून से लथपथ जमीन पे लेटा पड़ा होगा बाबू। हे भगवान, क्या तूने यही देखने के लिए मुझे जिंदा रखा था? इससे अच्छा तो ये होता कि तू मुझे मार डालता। मुझे तुम दुखी मत हो देवनाथ, उठो उठो देवनाथ, ऊपर वाले भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा, उठो। हे ऊपर, हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखा। तुम इस कठिन परिस्थिति में भी अपने जीने का लक्ष्य खोजो, कोई बहाना ढूंढो। नहीं मिल रहा बाबू, नहीं मिल रहा। कोशिश करते रहो, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। है कोई रास्ता, कोई संभावना जो मेरे दिल को सुकून पहुंचाए बाबू? एक रास्ता तो है, पर शायद तुम कर नहीं पाओगे। नहीं, मैं अवश्य करूंगा बाबू, मैं अवश्य करूंगा। अब मुझे बस शांति चाहिए बाबू, बस शांति चाहिए। तो सुनो, जाओ और ढूंढो अपने प्रकाश को, जिसके माता पिता इस हिंसा की आग में मारे गए हो, और वो तुम्हारे प्रकाश की तरह ही छोटा हो। क्या ये करने से मुझे शांति मिलेगी बाबू? मिलेगी, अवश्य मिलेगी, परंतु याद रहे वो बच्चा एक मुसलमान का हो। मुसलमान का? ये मैं नहीं कर पाऊंगा बाबू, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें तो ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से तुम मुसलमानों के प्रति अपनी घृणा पर विजय प्राप्त कर पाओगे, और तभी इंसानियत की जीत होगी, जैसा मैं चाहता था। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, उस बच्चे की परवरिश भी तुम वैसे ही करना जैसे कि तुम अपनी देह प्रकाश ही करते। अगर ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी बापू, तो मैं अवश्य करूंगा बापू। तो जाओ और ढूंढो अपने प्रकाश को, जो किसी आदमी का इंतजार कर रहा होगा। वो आदमी कोई और नहीं, तुम होगे देवनाथ। तुम जाओ। मैंने कहा था ना, वो मेरे प्रकाश को लेकर आई थी। अरे, आप अकेले ही आए हैं? कहाँ है मेरे प्रकाश? कहाँ है वो? देखो, नीचे ही नहीं गया होगा। जाओ, उसे ढूंढ के लाओ। लेकर ही नहीं आए उसे।
ही दे दो। ये है हमारा प्रकाश। ये हमारा प्रकाश नहीं है। कौन है ये बच्चा? ये बच्चा इन दंगों में अनाथ हो गया था। आज से यही हमारा प्रकाश है। क्या हो गया है तुम्हें? ये प्रकाश नहीं है। क्या नाम है इसका? इसका नाम जाहिद। जाहिद? मुसलमानों का बच्चा नहीं रह सकता हमारे घर में। गीता, तुम समझते क्यों नहीं? हमारा प्रकाश मर चुका है। हमारा प्रकाश वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। कभी नहीं। करमचंद गांधी हिंसा का पूर्ण रूपेण विरोधी हूँ। मैं मानता हूँ कि हम सब में कुछ दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन हमें उन सब से ऊपर उठना होगा। अपने अंदर के प्रेम को जागृत करना होगा, क्योंकि प्रेम और क्षमा में बहुत शक्ति है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली है और अस्थाई भी। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो, आप उसे प्रेम से जीतें। जो भी राष्ट्र असत्य और हिंसा के मार्ग पर चलेगा, वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने की साधना। हमें मानवता में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मानवता सागर की भांति है। जिस प्रकार सागर में कुछ गंदी बूंदें मिल जाएं, तब भी सागर गंदा नहीं होता, वैसे ही हम सभी देशवासियों को सभी धर्म का आदर करना चाहिए। भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम में बहुत शक्ति है। और ये मेरा मानना है कि प्रेम के द्वारा ही दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। अंत में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको सन्मति दे।